ढक्कन ले लीजिए। अशोक सर आपके राइट में सर सेंटर सर यार सर एक बार सर क्या सर सेंटर ओके सर थैंक यू। सर सेंटर इधर नमस्कार खबरों को आज बहुत अहम दिन है हम कश्मीरी पंडितों के लिए 19 जनवरी आज है और इसी दिन 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। वहाँ की मस्जिदों के स्पीकर्स से अनाउंस किया गया था कि सारे कश्मीरी पंडित जो है अपनी बहनों और बेटियों को छोड़कर कश्मीर खाली करें, तो पूरी की पूरा पूरा का पूरा समुदाय जो है उनका जेनोसाइड हुआ, उनकी एथनिक क्लिनजिंग हुई और वो वहाँ से निकले। इसलिए पूरे विश्व भर आज 19 जनवरी जो है वो हमारा जेनोसाइड डे है, हमारा एक्सोडस डे है और हमारा एथनिक क्लिनजिंग डे है। आज जो हम मिले हैं, मैं अपनी एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करने जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, ये मैंने खुद शूट की थी 1990 में। मैं खुद उस दौरान 19 जनवरी के आसपास भी उस दिन भी मैं खुद कश्मीर में था और ये सारे फुटेज जो है मैंने खुद शूट किए। और मैंने उस वक्त जो हमारा पलायन हुआ था उसके बाद जब रिफ्यूजी कैंप्स में लोग आए और वहाँ पर बसे, ये पूरी जर्नी जो कश्मीर पंडितों की है मैंने खुद शूट की। और मैंने सोचा कि आज का दिन जो है वो सारे विक्टिम्स को एक ट्रिब्यूट पे करने का दिन है। और अनुपम जी जो हैं वो मेरी इस पूरी जर्नी में, मेरी इस पूरी लड़ाई में, हमारी सारे जो फेजेस हैं उसमें खेर साहब हमारे साथ रहे। और चूंकि खेर साहब खुद भी कश्मीरी हैं और कश्मीरी पंडित हैं, तो इस पूरी त्रासदी को, इस पूरे जेनोसाइड को, इस पूरी एथनिक क्लिनजिंग को हमने दोनों ने, हम सबों ने खुद सहा है, खुद फेस किया है और खुद इसको लड़ने, हम खुद इसको लड़े हैं और लोगों के सामने हमने चीज़ों को लाने की कोशिश की है। तो इस फिल्म के द्वारा मैं उन सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो इस फिल्म को देख के जो हमारी एक्चुअल त्रासदी है जो फिल्मों में दिखाई भी गई और जो लोगों ने, जिन लोगों ने ये कहा कि ये गलत है, ये वही नहीं है, ये झूठ है, तो मुझे लगता है कि उन सारे लोगों के लिए ये फिल्म, मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो रियल है, ये उनके लिए जवाब है। और मुझे इस बात का यकीन है कि आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा जितने भी लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखें अपने आप में इस पूरी त्रासदी को फील करें, अपने इस जेनोसाइड को, इस एथनिक क्लिनजिंग की ट्रेजेडी को फील करें, क्योंकि हमारे हिसाब से, कश्मीरी पंडितों के हिसाब से ये दुनिया के सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। इससे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा कसूर नहीं कोई, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी में थे, हम पढ़े लिखे लोग थे, हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हम नॉन वायलेंस में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम गांधी जी के फिलॉसफी में बिलीव कर रहे हैं लोग हैं और हम आज अपने ही कंट्री में, अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रह गए हैं। तो हम फिल्म शुरू करेंगे, उससे पहले मैं खेर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज खेर साहब योर एक्सपीरियंसेस टू द अशोक जी। तो मैं बहुत सारे साहब जब से बॉम्बे आया हूँ तब से जानता हूँ और इनकी पहली डॉक्यूमेंट्री भी जो एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट वो मैंने देखी थी। तब इन्होंने बहुत सारे शॉट नहीं डाले थे, शायद दुनिया को शॉक नहीं करना चाहते थे और अब इन्होंने बहुत सारे वो शॉट्स डाले हैं कश्मीरी पंडितों का नरसंहार में। ध्येय जो है, जो इन्होंने अशोक जी ने बोल दिया है, ध्येय यही है कि कुछ जख्मों को खुला रखना ज़रूरी है। वो पर्सनल लेवल पर जख्म हो या कम्युनिटी के लेवल पर जख्म हो या इंसानियत के नाम पर जख्म है, क्योंकि कुछ लोग उसको ढकने की कोशिश करते हैं झूठ से और अलग अलग चीज से। जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो डॉक्यूमेंट्री रियल फुटेज की होती है, रियल जगह की होती है। आपको पुरानी, आप अगर कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, चाहे वो हमारे देश की आज़ादी की डॉक्यूमेंट्री है, गांधी जी दांडी मार्च पे जा रहे हैं, या पुरानी पुरानी जो ब्लैक एंड वाइट की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें आपको यकीन होता है बिकॉज वो दे आर टेकन। वी विल कीप दिस दिस जेनोसाइड अलाइव, बिकॉज इसको इसलिए अलाइव रखना है ताकि ये बाकी दुनिया के किसी और इलाके में इस तरह का जेनोसाइड ना हो।
होते हैं उनके साथ इस तरह का ना हो, और वो आपके द्वारा, मैं बड़ा खुश हूँ आप लोग यहाँ आप आए हैं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए, उसको जिंदा रखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे खुद के पर्सनल लेवल पर, हमारे फैमिली मेम्बर्स को इसको भुगतना पड़ा, मेरे मामा को भुगतना पड़ा, बहुत सारे रिश्तेदारों को भुगतना पड़ा, और काफ़ी इसको दबाए रखने की कोशिश की गई है, 32 साल तक इसको दबाए रखने की कोशिश की टिल कश्मीर फाइल्स केम, और आज 33वां साल, और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको अलग अलग नाम देते हैं, तो अगर तो सच तो मुझे लगता है कि वैसा है कि वो कभी ना कभी बाहर आता रहता है, और जो सच जिनको झूठ बोलना होता है उनको ज़िंदगी भर झूठ बोलना पड़ता है, तो ये प्रताड़ना जो सही है कश्मीरी पंडितों ने ने प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जब हम कश्मीरी पंडितों की या कश्मीरी हिंदुओं की प्रताड़ना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ट्विस्ट करते हैं इसको कि शायद हम बाकी माइनॉरिटीज़ को या बाकी लोगों को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये ट्रेजेडी है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों के साथ, और उस हर ट्रेजेडी को एक्नॉलेज करना, उसका बहिष्कार करना, उस पर टिप्पणी करना मानवता का हमारा एक नियम है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आज फिर वही है 2023 जनवरी 33 साल हो गए हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे कश्मीरी भाई बहन जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों को, और टेररिज्म का जो असर है कश्मीर पे हुआ है वो हर जाति पर हुआ है, हर लोग, एंड आई एम श्योर दिस फिल्म विल ब्रिंग द ट्रूथ, एंड अशोक हैज बीन ऑलवेज अ ग्रेट advocate of any unjust anywhere in the world, not only about Kashmiri Pandit, that's the biggest quality Mr. Ashok Pandit has, कि कहीं भी, और ये जिनसे इनके अच्छे संबंध होते हैं अगर उन्होंने भी कोई गलत काम किया होता तो उनको भी ये पॉइंट आउट करते हैं, चाहे वो एक्टिविज्म हो गार्डन्स को लेकर, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वो जुगू की सफाई हो, चाहे वो जुगू में हम या जुगू अंधेरी एरिया में हम अच्छी सांसें ले सकें, ये शख्स जो है हर एक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहता है, जिसको इस बात का कोई वो नहीं है कि मैं पॉपुलर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हम पॉपुलर रहना चाहते हैं सबके साथ, पर अब इनका ऐसा इन्होंने कर लिया है कि अनपॉपुलर लोगों के साथ भी पॉपुलर है, तो विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, ऐसा इंसान बहुत कम होता है, एंड वी आर हैप्पी दैट समबडी लाइक हिम इज आवर फ्रेंड, इज माय ब्रदर, I always feel that कोई नहीं होगा तो ये तो साथ में खड़ा ही होगा, तो इसलिए I wish him good luck, शुक्रिया, और ऐसे करते रहिए आप काम, बस, और हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं, अच्छी बातें ही बोल सकते हैं, और दिल से बोलते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, जब मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था और मुझे काम नहीं मिल रहा था तो मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोया था कुछ 27 दिन बांद्रा ईस्ट, तो मैंने उनको एक खत लिखा था, I'm diverting a little, but it's important to tell you, कि क्यों हम शायद बेबाक तरीके से बात करते हैं, तो मैंने उनको खत लिखा था कि दादाजी वो कश्मीर में रहते थे, मैंने कहा मैं कहाँ यहाँ फंस गया हूँ, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह रहा हूँ, पढ़ा लिखा एक्टर हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन पे रहना पड़ रहा है और 1:30-2 बजे सोना पड़ता है और 4:45-5 बजे उठना पड़ता है बिकॉज ट्रेनें शुरू हो जाती हैं, ट्रेनें बंद होती हैं, उन्होंने मुझे एक खत लिखा था, अभी भी याद है, तो उन्होंने लिखा था कि बेटा तू रुक जा वहाँ पर, 1.5 साल से वहाँ पर है, तेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है तुझे यहाँ तक पहुँचाने की, और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, दैट लाइन चेंज्ड माय लाइफ, और अब हम जब भी कोई मेरे मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ या हमारे ऐसी बात को होती है तो सीधा दादाजी का डायलॉग चलता कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, इसलिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, मुझे जाना होगा, पहली बार तो ऐसा 1 साल के अंदर 1 बार 2 बार ये फिल्म रिलीज होना बहुत बड़ी बात है, ये देखिए आप उन जख्मों को तो भर नहीं सकते जो आज से 33 साल पहले हुआ, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे कंधे पे हाथ रख देता है तो ये दूसरी बार रिलीज होना भी जो है ये उसी बात की निशानी है।
आज बहुत सारे लोग हमको ये भी बोलते हैं अरे आपने अब इनके लिए क्या किया। चलो कश्मीर फाइल ने एक चीज़ तो की कि ये दुनिया में ये जग जाहिर कर दिया कि ये ट्रेजेडी हुई थी, तो आज ये रिलीज हुई है, इट्स अ सिम्बॉलिक थिंग। अब वो जो लोग हैं वो कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे लिखा सेकेंड टाइम रिलीज कर दी इसके तो कोई कलेक्शन नहीं हुआ। तो जो लोग रोते हैं उनकी ज़िंदगी भर रोना ही होता है। कुछ लोग होते हैं डूअर्स एंड कुछ लोग होते हैं क्रिटिसाइजर्स। हम डूअर्स हैं और जो क्रिटिसाइजर्स हैं उनको करने। सर 35 साल में कश्मीर में क्या बदला, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां कश्मीरी पंडितों को अभी भी टारगेट क्लीन किया जा रहा है, तो 35 साल में आप क्या बदलाव देखते हैं? आर्टिकल 370 आर्टिकल बहुत बड़ी बात है, 65 साल तक नहीं बदला। आर्टिकल 35A बदला और वो सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं था, 35A वो सब माइनॉरिटीज के लिए, वो बहुत ही तकियानुसी लॉ था। और इस साल 2022 में आना चाहिए, सबसे ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा है। देखिए वहाँ पर काम की सख्त ज़रूरत है, जो विकास दुनिया में मतलब भारत में बाकी देश बाकी स्टेट्स में हुआ है वही विकास वहाँ भी होना चाहिए। मुझे लगता है विकास हो तो अपने आप जॉब्स बढ़ते हैं, जॉब्स बढ़ते हैं तो लोग खुश रहते हैं, लोग खुश रहते हैं तो इस तरह की तो अजीब व गरीब चीज़ों में उनका ध्यान नहीं जाता। I believe that a lot of people are still shooting there. I have a friend here in Kashmir, his mother lives in the camp. Because Kashmir today also they are living in ghetto, you know, this camp. So ye mahol kab tak badlega aapko lagta hai? What do you think? Dekhiye jo badlav hai wo bahut silent hota hai. Humne desh ko azad karne ke liye 200 saal lada hai, 100 saal lada par azad hua. Aap overnight to cheeze mujhe nahi lagta, that's more for an answer for politicians to give you that answer. I'm an optimist. अब आज हम जो बैठे हैं और आपके साथ बैठे हैं ये भी ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि हम चाहते हैं कि कुछ बदले और कुछ आप सवाल उठाएं और कुछ सवाल ये आपके जरिए बाकी लोगों तक भी पहुंचे। यू नो इन सालों में बहुत सारी चीजें आपने इसके अंदर रियल दिखाई है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए और जब वो चीजें याद आती है तो क्या फील करते हैं सर? अगर इस बारे में देखिए ये जो पूरा एक्सोडस था जेनोसाइड जब मैं वहां पे था तो मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी थिंकिंग, मेरा बिहेवियर पैटर्न, मेरी चाल, मेरे चलने का ढंग, मेरी सोच पूरा बदल चुकी। बिकॉज वो जो पूरा पूरा जो हादसा हुआ था तो बहुत ज़्यादा था, मेरी मैं इतना भी कुछ बुजुर्ग नहीं था कि मैं इस चीज़ को देख चुका था। ज़िंदगी में बहुत कम उम्र में मैंने लाशें देखी, मैंने लोगों को निकलते हुए देखा, ट्रक में बैठते हुए देखा, चिल्लाते हुए देखा, चीखते हुए देखा, डेड बॉडीज उठाने के लिए लोग नहीं थे जम्मू में, तो सब पूरी जो पूरा जो प्रोसेस था मैं उसका हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि 10 जन्म में भी लोग जो है वो ऐसे हादसे जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो हो सकता है ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए ये, और फॉर्चुनेटली मैं कश्मीर में था, मेरे को दूरदर्शन श्रीनगर दूरदर्शन के काम के लिए गया था वहाँ पे, और रात को मुझे घर में सोया था तो ये मस्जिदों से ये आवाज़ आने लगी थी कि कश्मीरी पंडित घर खाली करो। तो मेरे पास लकीली कैमरा था, वीडियो कैमरा जो पुराने वीडियो कैमरा थे होते थे जो VHS कैमराज, और आई बैंड मेरी टीम यहाँ से गई थी शूटिंग डॉक्यूमेंट्री फॉर श्रीनगर दूरदर्शन। तो उसके पहले तो मैं अब कैमरा लेके मैं सड़क पे निकल गया, मैं अभी भी अगर मैं वो सोचता हूँ फिल्म में देखना सोचता हूँ तो मैं रात को उठ जाता हूँ, क्योंकि वो जो खौफ है, वो जो डर है, वो मेरे दिमाग से ताज जिंदगी निकल नहीं सकता। एंड द एंटायर इंसिडेंट, तो पूरे की पूरी जो हादसे हुए थे जो मेरे सामने हुआ वो मुझे लगता है कि एक सपना था और वो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। आज जो लोग बोल रहे हैं कि एक झूठ है फिल्म को देखने के बाद, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो सकता ये हो सकता है। मैं तो इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ, या खेर साहब इसलिए डंके की चोट पे बोलता है, या हर कश्मीरी पंडित इसलिए डंके की चोट पे बोलता है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और ये एक्सपीरियंस जो है ये हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से, हमारे जहन से ये कभी नहीं निकल सकता। और जैसा अनुपम जी ने कहा कि जेनोसाइड जो है घाव जो है निकाले भी नहीं निकल सकता, आप कैसे चीजों को निकाल सकते हो, हकीकत कैसे नकार सकते हो, मैं कैसे झूठ बोलूं कि नहीं सब ऐसा नहीं हुआ था। तो उस दौरान जब ये मैं सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, जब फुटेजेस जमा हुई, जब मैं आया वापस मुंबई आया, मैं 6 महीने का शिफ्ट कर गया था जम्मू कश्मीर, लगभग 8 महीने में वहीं रहा था जम्मू कश्मीर में, बिकॉज पूरी की पूरी फैमिली आ रही थी ट्रकों में जम्मू में, तो उनको सेटल करना, कैंप बनना, जम्मू साहब हमारे गवर्नर थे उनसे डील करना, रिफ्यूजी कैंप्स नए नए, जम्मू बहुत छोटा शहर है, वहाँ पर 3.5-4 लाख लोगों का आ जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि जगह ही नहीं थी वहाँ पर, छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। तो बड़ी बड़ी जमीनों में आप देखना फिल्म में टेंट लगे, टेंटों में लोगों को रहा, एक एक टेंट में 10-10 आदमी रहते थे, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं,
तो मैं इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को मैं जुड़ा और मैंने देखा ये सब जो मेरी फिल्म में है। मुझे लगता है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा फिल्म के बारे में, आप फिल्म देखिए और अंदाजा लगाएंगे आप कि एक्चुअली प्रोसेस जो पूरा जेनोसाइड का प्रोसेस जो है वो कैसा था। लोगों के इंटरव्यूज हैं कैंप्स में, टेंट्स में, कश्मीर में, किस तरह से लोग बाहर निकले, कैसे पाकिस्तान का झंडा उन्होंने लहराया, क्या नहीं क्या क्या, ये पूरी फिल्म में, ये 35 मिनट की फिल्म में ये पूरा जो खौफ वहां पे क्रिएट किया गया जिसकी वजह से हम लोग वहां से निकले, ये खौफ जो है ये फिल्म में आपको सारा तो नजर आएगा। डर नहीं लगा शूट करते? और तो आपने बात एक सवाल पूछा क्या बदलाव आया, और मुझे झंडे से याद आया हिंदुस्तान का झंडा वहां पर फहराने नहीं देते, उनका अपना झंडा होता था। हर घर झंडा में आपको वहां पर लाखों झंडे दिखाई दिए, ये जीत है। सबसे बड़ी बात ये कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस आया लोगों में वहां पर, लोकल लोगों में भी होता है, लोकल में भी थोड़ा सा सारे हिंदुओं ने वो झंडा लेके घूमे आज पूरे आवाम वाले। पर सर वो विक्टिम्स की अभी क्या मांग है या क्या चाहते हैं? अभी आप मिले होंगे इतने सालों में इनसे, तो क्या चाहते हैं वो? अब सी यू टॉकिंग अबाउट अस, यू टॉकिंग अबाउट विक्टिम्स, सी बेसिकली दिस इज अ टर्मोइल ऑफ 70 इयर्स व्हिच वाज नॉट अटेंडेड टू, सो इट विल टेक टाइम बिकॉज़ इट्स कैंसर। आल्सो सम टाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू शो व्हाट हैज हैपेंड, दैट दिस इज अब उपहार ट्रेजेडी पर ट्रायल बाय फायर बना है 25 साल तक उसको झुठलाते रहे उसके जो ओनर थे, तो इसका मतलब क्या वो हुआ ही नहीं अपने आप। वो तो आप बिलीव करना चाहते हैं बिकॉज उसकी डॉक्यूमेंट्री फुटेज है कि आग लगी हुई है लोग भाग रहे हैं, हम सब एटलीस्ट आई वाज देयर एटसेट्रा। सो समटाइम हम क्या चाहते हैं इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आवर जॉब एज फिल्म मेकर एंड आर्टिस्ट इज टू शो टू द वर्ल्ड दिस हैज हैपेंड, दैट्स ऑल। सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसका आखिरी पड़ाव कश्मीर है, कश्मीर में वो बांदीपुरा में जाकर तिरंगा भी लहराएंगे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कश्मीर कुछ स्थिति नहीं बदली है और अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है, क्या मैसेज क्या संदेश देना चाहेंगे कि सर से दिखते हैं? दिस इज अगेन वी विल शिफ्ट फोकस टू समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेट्स नॉट मेक इट, नहीं नहीं, आल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू हार्पिंग ऑन द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड्स, आई विल नॉट टॉक अबाउट एनीबॉडी एल्स एंड लेट द पर्सन हाईजैक अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव डन दैट फॉर 33 इयर्स नॉट एनी। अनुपम खेर सर, कश्मीर फाइल हो या फिर अब पठान हो, कंट्रोवर्सीज काफी हो रही है। सर कहा जाता है कि यू नो कहते हैं कि ट्रेजिक सर एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक आई वाज सर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ with this process of telling the tragedy of Kashmiri Indians. Sir, cinema tickets ka bhi kuch slash hua hai. कोशिश कर रहे हैं कि कम में हो, हम उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकते because right now, right now what we need to do is to concentrate on Kashmiri पंडितों का नरसंहार, that is very important. Let's not.